अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे और अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज है 12 अप्रैल 2023 और रमजान मुबारक का 20वां रोजा है। दोस्तों माशाल्लाह रमजान मुबारक के 20 रोजे हो चुके हैं, यानी आज 20वां रोजा है। दोस्तों बात करते हैं शहाब भाई की, तो बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की न्यूज है, क्योंकि शहाब भाई माशाल्लाह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस मंजिल की तरफ शहाब भाई निकले थे, रास्ते में न जाने कितनी सारी परेशानियां और मुसीबतें आई थी, सब मुसीबतों को शहाब भाई जो है साइड में करते हुए, शहाब भाई मुसीबतों से गुजरते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने शहाब भाई को वो जो है रास्ता अता कर दिया कि शहाब भाई सऊदी के अंदर इंटर हो चुके। दोस्तों शहाब भाई काफी मुसीबतों को बर्दाश्त करने के बाद जब कुवैत से 17 रमजान को शहाब भाई सऊदी में इंटर हुए, तो माशाल्लाह उनका एक जबरदस्त और शानदार इस्तकबाल हुआ। उसके बाद दोस्तों शहाब भाई अपना सफर सऊदी में करते हैं। सफर करते हुए शहाब भाई का दूसरे दिन शहाब भाई को माशाल्लाह जो है रात के अंदर सऊदी के अंदर बहुत सारे उनके चाहने वाले और मोहब्बत करने वाले लोग मिलते हैं, शेख साहब मिलते हैं जो शहाब भाई से प्यार और मोहब्बत की बातें करते हैं। शहाब भाई उनके साथ बैठते हैं, इफ्तारी वगैरह होती है, चाय वगैरह होती है। दोस्तों शहाब भाई से काफी लोग मिलने के लिए आते हैं। हम सोचते थे कि सऊदी अरब के अंदर शहाब भाई जाएंगे तो वहां फिर कोई किसी से मुलाकात नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों शहाब भाई की मुलाकात करने के लिए तो लोग कहीं कहां से निकल आते हैं, क्योंकि शहाब भाई जब इंडिया में चल रहे थे तभी से सबको पता चल गया था कि ये बंदा एक दिन मक्का शरीफ पहुंचेगा, सऊदीया पहुंचेगा, तो सऊदीया के लोगों को पहले से पता था। तो सऊदीया के लोग अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए खुशखबरी है कि शहाब भाई जो है अभी सऊदी के अंदर चल रहे हैं और 3 दिन उनके सफर को हो चुके हैं। दोस्तों शहाब भाई जो है 3 दिन के अंदर शहाब भाई ने सऊदी में 70 से 80 किलोमीटर का सफर तय कर लिया माशाल्लाह। पहले ही दिन शहाब भाई 60 किलोमीटर का सफर करते हुए सऊदी में इंटर हुए थे और शहाब भाई ने काफी सारा सफर माशाल्लाह रोजे की हालत में तय किया है और तय कर रहे हैं। दोस्तों शहाब भाई जो है अभी इस लोकेशन पर चल रहे हैं सऊदी के अंदर। कुवैत से शहाब भाई जब सऊदी में इंटर हुए तो वहां से डायरेक्ट सऊदी के अंदर ये लोकेशन आता है, आप देख सकते हैं। इसी लोकेशन पर शहाब भाई रुके हुए थे और अब उनका सफर जारी है। अब वो लोकेशन हो सकता है आगे की तरफ शहाब भाई बढ़े हों, तो आज है 4था दिन इनके सफर का। तो आज इंशाल्लाह देखते हैं कि शहाब भाई कितना सफर करते हैं, किस लोकेशन पर रहते हैं। दोस्तों इंशाल्लाह वो सब आपको बताया जाएगा। और दूसरा मैं आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कल की वीडियो के अंदर शहाब भाई की जन्मदिन को लेकर बहुत सारी दुआएं दी है, बहुत सारी दुआएं सब लोगों ने, सब दोस्तों ने माशाल्लाह शहाब भाई की जन्मदिन की मुबारकबादी दी और दुआएं दी और दुआएं ली हैं, आप सबका शुक्रिया माशाल्लाह। हमें उम्मीद है दोस्तों कि शहाब भाई के लिए हम दुआ कर रहे हैं, तो शहाब भाई जब मदीना शरीफ पहुंचेंगे तो हमारे लिए भी जरूर दुआ करेंगे। दोस्तों शहाब भाई अब जो है अपनी मंजिल के करीब है, अब उनकी मंजिल करीब है और जल्द ही हम देखेंगे शहाब भाई को मदीने की गलियों के अंदर। हाँ इंशाल्लाह जल्द ही शहाब भाई को हम मदीने की गलियों के अंदर देखेंगे। अभी फिलहाल दोस्तों शहाब भाई का सफर सऊदी में जारी है और आज उनके सफर का 4था दिन है और अल्लाह ताला उनके ये सफर को हुजूर के सदके में आसान कर दे। माशाल्लाह शहाब भाई अकेले नहीं है, सऊदी के अंदर भी बहुत सारे उनके चाहने वाले उनसे मिलने के लिए आते हैं और वहाँ के जो अरबियन सऊदी के अंदर जो शेख हैं हबीबी कहते हैं, वो माशाल्लाह शहाब भाई से मिलने के लिए आते हैं और बहुत प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। दोस्तों इसलिए आप सब दुआ करें, इंशाल्लाह लम्हा बलम्हा शहाब भाई की अपडेट आपको 2023 के हज तक मिलती रहेगी। तब तक के लिए आप सब जो है भाई के लिए दुआ